मुख्यमंत्री इस साल रविवार को बालोद जिले के हीरापुर गांव में निषाद समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि निषाद समाज हर वर्ग में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज को शिक्षा से जोड़ना बेहद आवश्यक है, इसके साथ ही नशे से हमारे समाज को दूर रखना है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों पर निगरानी रखें, वो कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि समाज से कई तरह की मांगे आ रही है, अभी आचार संहिता है, अगर आचार संहिता लागू नहीं होती तो मैं आपको बहुत कुछ देकर जाता, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसी दिन आपके समाज की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाज में इस तरह के आयोजन होने से समाज को एक नई दिशा मिलती है। तो मिली से तुम्हारे आग्रह हो ही कि आप उनके आशीर्वाद मोला मिले। मैं गांव के छोटे से किसान के बेटा हूँ, आज इतना बड़ा पद में हमारे पार्टी हमार प्रधानमंत्री मोदी जी बैठा दिन है, तो आज ये 3 करोड़ जो जनता है छत्तीसगढ़ के, उमन के जो विश्वास है, उमन में मुख्यमंत्री के नाते खरा उतर पाऊं, एकर ले आपन के समाज के आशीर्वाद चाहिए, राजा रामचंद्र के आशीर्वाद चाहिए, सीता माता के आशीर्वाद चाहिए, निषाद राज के आशीर्वाद चाहिए। आज हमन ये 2 महीना तो अभी चुनाव में बीती से आचार संहिता लग गई से, लेकिन हमला जो 100 दिन काम करे पर मौका मिली सरकार के माध्यम से, वहां बहुते कन कामला हमन करे के प्रयास करे हन। 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास जो रुक गए रहिस, ओला सरकार शपथ ले के दूसरा ही दिन स्वीकृत करे के काम हमर सरकार करे है। 13 दिसंबर के हमर सरकार शपथ लईस और 14 दिसंबर के ही 18 लाख प्रधानमंत्री के आवास के स्वीकृति दे हन। अभी केंद्र से पैसा आ जाही नया वित्तीय वर्ष में आचार संहिता के बाद में, तो पूरे प्रदेश में हमारे गरीब मन के 18 लाख के प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाए। 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया देह के काम हमारे सरकार करी से। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया 1 क्विंटल धान के कीमत देहे हन, 145 लाख मैट्रिक टन धान के खरीदी हुई से, और जो अंतर की राशि रही समर किसान मन के 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के, ऐसे 13,500 करोड़ रुपया मन के देहे के काम करे हन। और 70 लाख से ज्यादा हमर माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया लगातार 3 महीना तक उमन के खाता में भेजे के काम करे हन, और 1-2 दिन में ये महीना के भी महतारी बंधन योजना के पैसा हमर माता बहनी मन के खाता में जाने वाला है। और आप मन के समाज भगवान राम हमर निषाद राज बहुत जुड़े हैं नजदीक से, और ये छत्तीसगढ़ पूरा जुड़े हैं भगवान राम से, काबर की ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या के धरती है, और भगवान राम हमर ये छत्तीसगढ़ के भाचा है, तो हमारे सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के राम भक्त मनला रामलला दर्शन योजना में भगवान राम के दर्शन के काम भी प्रारंभ कर दे है। एक बार में 800-850 हमारे राम भक्त मन रेलगाड़ी में सरकारी खर्चा में जात हैं, और हमारे भगवान राम हमारे भाचा के दर्शन करके आते हैं, तो ये सब काम हमन 100 दिन में पूरा करे के प्रयास करे हन। अभी 4 तारीख के फिर लोकसभा के मतगणना हो जाए चुनाव के, आचार संहिता हटी तो फिर, और यहाँ जो हमारे मोदी के गारंटी में हमारे वादा है छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से विकास के काम करे के, वो काम ला फिर हमारे सरकार साय साय करने वाला है ना, सब कामला साय साय करने वाला है। तो आप मन विश्वास करो हमारे सरकार के प्रति, और आज हमर प्रदेश अध्यक्ष निषाद समाज के, हमर यहाँ के जिला अध्यक्ष निषाद समाज के, और भी कई हमर जो जनप्रतिनिधि हैं, ओमन के तरफ से हाँ वही बोलत हो, बहुत कुछ मांग आई से। मैं आप मन आश्वस्त करता हूँ, आज अगर आचार संहिता नहीं रहती तो समाज भर में बहुत कुछ दे के जाते हैं, लेकिन चूंकि 4 तारीख के आचार संहिता समाप्त होते, पूरा मांग पत्र
मोर समक्ष में आ गई से मोला सबला में आश्वस्त करत हूँ कि सरकार कोई ला निराश होन नहीं दे, सबके काम ला कर ही हमारे छत्तीसगढ़ ला भगवान राम बहुत खुल के बनाई है। बहुत धनी प्रदेश है हमारे छत्तीसगढ़, खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ आयरन ओर है, कोयला है, सोना है, हीरा घलो है, टीना है, और भी कई ठन खनिज है। वन संपदा 100 तरह से भी ज्यादा वन संपदा हमारे छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के धरती माटी उपजाऊ है। आप मन मेहनत कस किसान हो, हमारे छत्तीसगढ़ ये पूरे देश के सबसे धनी राज हो सकत है, और वो कामला हमन और हमारे सरकार करने वाला है। इसलिए कोई भी समाज ला, कोई भी व्यक्ति ला निराश हो की आवश्यकता नहीं है। आप अपन आशीर्वाद दे हमला सरकार में बैठाए हो तो आप मन के हर समस्या के समाधान हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करने वाला है। और इसलिए आप अपन आश्वस्त मैं अपन ला करत हूँ कि आप मन के जो भी मांग है ये चुनाव समाप्त हो जाही, ओकर बाद में ओला पूरा करबो। और अंत में ज्यादा नहीं कहते हुए ऐसे हमारे निषाद समाज के आशीर्वाद हमारे ऊपर में मिलते रहे, ताकि हमने सरकार ला अच्छा से चला पाई। और आपन के जो विश्वास है हमारे ऊपर में, आपन के जो आशा है, आपन के जो दुख तकलीफ के निदान करे बार आपन सोते हो, वो सब ला हमन कर सकी। यही आपन से आग्रह करते हुए और वो एक बार फिर से निषाद समाज के मैं धन्यवाद करते हुए कि आज आपन के कारण इतना बड़ा हमर निषाद समाज के पूरा बंधु मन के माता बहनी मन के सबके दर्शन लाभ मैं कर पात हूँ। इकले समाज के बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपन बात ला मैं यही अंत करता हूँ।